हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलिस क्लासिक कुजीन। आज हम बनाएंगे कटहल के शमी कबाब। नॉर्मली ये चिकन या मटन से बनाई जाती है, पर मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ इसका वेजिटेरियन ऑप्शन। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है और मुंह में आसानी से घुल जाती है, साथ ही बहुत ही टेस्टी भी होती है। कटहल नॉनवेज डिशेज का अच्छा रिप्लेसमेंट होता है, तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कटहल के शमी कबाब बनाने के लिए ये हमने लिया है 500 ग्राम्स के करीब कटहल, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो कटहल को काटते समय हाथों में ऑयल लगा लें, क्योंकि कटहल में एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो आपके हाथों में चिपक सकता है, तो ऑयल लगा करके उसे काटें। और साथ ही हमने लिया है चना दाल जो 250 ग्राम है, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था। यहाँ पे हमने लिया है दो मीडियम साइज के प्याज, जिसे स्लाइस कर लिया है। साथ ही लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और तेज पत्ता। और कुछ फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। साथ ही हम सूखे गरम मसाले भी लेंगे, जहाँ पे मैंने लिया है शाहजीरा, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। इन सब के अलावा और भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब स्टोव को ऑन करें और उस पर रखें कुकर। अब इसमें डाल रही हूँ ऑयल, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे सारे खड़े गरम मसाले और तेज पत्ता। अब हमें डालना है प्याज, तो स्लाइस किए हुए प्याज को मैं इसमें डाल दूंगी और फ्लेम को मीडियम रखें और इसे फ्राई करें। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, फ्लेम को मीडियम रखें और इसे थोड़ी देर फ्राई कर लें। अब बारी है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालने की। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब फ्राई कर लें इसे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कटहल और फ्लेम को मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करें। दो से तीन मिनट तक कटहल को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे चना दाल, जिसे हमने सोक करके रखा हुआ था, और अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें। अब बारी है सूखे मसाले डालने की। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही मीट मसाला पाउडर। अगर आपके पास मीट मसाला पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं, इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। सारे सूखे मसालों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पुदीने की पत्तियाँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप पुदीने की पत्तियाँ ज़रूर डालें इसमें। अब इसे मिला लें। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और इसे भी मिक्स कर लें। फ्लेम को मीडियम ही रखें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, तो पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, पानी उतना ही डालें जिससे ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी बहुत कम डाला है, ताकि हम जब विसल लगाएं तो ये पानी सोख ले और अच्छे से पक भी जाए, हमें गीला नहीं रखना है। अब कुकर को कवर करें और मीडियम फ्लेम पर एक विसल आने तक इसे कुक करें। आपके कुकर पे भी डिपेंड करता है, आप दो विसल भी इसमें लगा सकते हैं। कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसका ढक्कन हटाएं, तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल सूख गया है और ये पक भी चुका है। तो अब मैं इसे चेक कर ले रही हूँ, कुकर में पानी बच गया हो तो उसे थोड़ी देर और पका लें ताकि सारा पानी सूख जाए। तो ये अच्छे से कुक हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसे अब मैं रख दूंगी थोड़ी देर और ठंडा होने के लिए। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे।
तो इन सबको मैं डाल रही हूँ एक ब्लेंडर जार में। हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल सूखा सूखा ही इसे पीसना है। मैं दो बार में इसे ग्राइंड करूँगी। और तेज पत्ता को बाहर निकाल लें। चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। तो हमें इस तरह से बनाकर तैयार करना है। देखिए ये बहुत ही स्मूथ है और पानी का भी इस्तेमाल हमने नहीं किया है। अब हाथों में लगा लें पानी। आप चाहें तो ऑयल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जो हमने ब्लेंड करके तैयार किया था ना मिश्रण, उसे हाथों में लेकर के पैटीज का शेप देंगे। तो आपको जैसा कबाब पसंद हो वैसा शेप दें, लंबा चपटा या गोल, जैसा पसंद हो। साइड को चिकना कर लें और इस तरह से तैयार करें। तो हमें इसमें बाइंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो चना दाल डाला था ना, इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं सारा बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और इसे साइड डिश के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अब एक पैन में ऑयल गरम करें। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। ऑयल के गरम होते ही हम एक एक कबाब इसमें डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और धीरे धीरे इसे सिकने दें। धीरे धीरे सिकने से ये अच्छे से पकेंगे दोनों साइड से। एक साइड पक जाने के बाद हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो कबाब अच्छे से सिक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो टिश्यू पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाए। तो एक एक करके मैं सारे निकाल लूँगी। तो इस तरह से एक बैच बनकर तैयार हो गया है। अब बारी है इसे सर्व करने की। तो इसे सर्व करें गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। हरी चटनी की रेसिपी भी मैंने शेयर करी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जब भी आपको मेहमानों को सर्व करना हो या खुद भी खाना हो, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। ताकि ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।